लगता है फ्रेंड्स फिर से आज कोई गाड़ी आई है। और कहाँ से आई है गाड़ी? ओके, हैदराबाद से आई है ये गाड़ी, आंध्र प्रदेश। और मेरे ख्याल से RX 100 ही होगी। वही है, RX 100 है, AP आंध्र प्रदेश की गाड़ी है। अरे इधर आना दानिश, गाड़ी उतरवा। उन्हें मालूम था कि गाड़ी पैक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी भोपाल रेस्टोरेशन में बनने के लिए जा रही है, तो उन्होंने फिर ऐसे ही भेज दी बगैर पैकिंग के। फाइनली भोपाल पहुंच चुकी है गाड़ी। आराम आराम से आने। इस बाइक को तो खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ले आ ऊपर ले आ। इधर ही कर लो, अंदर ले आ, यहाँ पे ऊपर। बस यहीं पे लगा दो। तो गाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं, बगैर पैकिंग के तो आई है बाइक, लेकिन ये भी क्लियर है कि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी गाड़ी जनरल रिस्टोर होने आई है, तो फिर ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। और लगभग बाइक में पूरा सामान है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है इस बाइक के बारे में, कि ये जो बाइक है, इस बाइक में इससे पहले कभी कलर नहीं हुआ है, और बाइक में मीटर बिल्कुल ओरिजिनल है, पायलट लैंप भी फुल ओरिजिनल है। उसके अलावा हैंडल बदला है इन्होंने, लॉक सेट जो दिख रहा है टैंकर ढक्कन, वो भी फुल ओरिजिनल है। उसके बाद इंजन पे जो कलर आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल है, इससे पहले इस पे कलर हुआ नहीं है। और ये फुल्ली जेन्युइन बाइक जो होती है, पूरी ओरिजिनल वही है। ज़्यादा से ज़्यादा टायर चेंज हुए होंगे, और पिछला मरघाट भी गाड़ी का ओरिजिनल ही है, चेन कवर भी गाड़ी में ओरिजिनल है। यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अंदर का इनर मरघाट का स्टीकर तक लगा हुआ है, फुल्ली ओरिजिनल है, जैपनीज। इसमें ये देखिए आपको दिख रहा होगा गेज। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आपको, ये भी फुल ओरिजिनल है। और जिस हिसाब से गाड़ी की अभी पोजीशन नज़र आ रही है आपको, मैं 100% श्योर हूँ कि बाइक के अंदर जो सिलेंडर किट है, वो भी अनस्लीव ही निकलेगा, 100% श्योर हूँ। और साथ ही साथ आपको ये कार्बोरेटर नज़र आ रहा होगा बाइक का, मेड इन जापान है। मतलब इस गाड़ी का मॉडल 100% श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ कौन सा होगा। 94 का मॉडल है ये बाइक। और उसके अलावा फ्रंट मडगार्ड ओरिजिनल है बाइक में। और ये आपका पूरी गाड़ी में, मतलब ऐसा कुछ अब बताने वाली बात ही नहीं है, फुल जेन्युइन ओरिजिनल बाइक है। और ये बाइक जो है, मैं आपको बता दूं, जिनकी भी है भाई की ये बाइक, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब कि इनके घर में कहीं भी साइड में पड़ी होगी, इन्होंने शायद गौर नहीं करा होगा, या उस लेवल तक इसको पूरा मेंटेन नहीं रखा है। अगर मतलब इसको अगर सही से रखते, तो शायद इसको कभी रिस्टोर करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर अभी बाइक भोपाल रिस्टोरेशन में पहुंच चुकी है, तो जितना मैं आपको बता सकता था बता दिया है। इतनी बात सो की सीधी एक बात बोलूँगा, पूरी ओरिजिनल बाइक है। इस बाइक के अंदर मतलब कुछ भी बाहर के जुगाड़ नहीं है, सिर्फ हैंडल को छोड़ के, हेडलाइट तक इसकी ओरिजिनल है बाइक की। यहाँ तक के फ्रंट में जो लोगो लगा हुआ है, वो भी फुल ओरिजिनल है। और ये जो सेंटर में आप जो इसमें हॉर्न देख रहे हैं, ये कंपनी का है, यामा RX 100 जो खुद देती थी, वही ओरिजिनल लगा हुआ है। इसमें जो ये पत्ती लगी हुई, यही इसका सबूत है। बाकी ये मान के चलिए कि अब भाई की बाइक भोपाल पहुंच चुकी है, तो बनने के बाद ही हम बताएंगे कि किस लेवल तक पहुंची है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।